यह इथेनॉल का अत्याधुनिक प्लांट लग रहा है जो सड़े हुए अनाज से जितनी भी जिसको आप घास कहते हैं, जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, ये सभी से मिलाकर के इथेनॉल बनेगा। ग्रीन एनर्जी के एक नए केंद्र के रूप में सहजनवा का विकास होगा और यहां पर हजारों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। एक अत्याधुनिक सोच और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए श्री विनय कुमार सिंह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और गीडा प्रशासन को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके यहां पर समय से आवंटन, जमीन का आवंटन करना, समय पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से फाइनेंस के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आना और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल कर, उसी को इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहां के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रो क्षेत्र में प्रदेश देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में, विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। सहजनवा क्षेत्र में इस प्रकार का उद्योग लगे ये एक कल्पना थी और भाइयों बहनों आप तो सब जानते हैं ये फैक्ट्री वहां लग रही है। देखिए यही सोच, यही है फर्क सोच में। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक भूचड़ खाना लगाना चाहती थी और हम लोगों ने उस समय यहां बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उनको भूचड़ खाना पसंद था तो भूचड़ खाना लगा रहे थे, यहां के आसपास के सभी लोगों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था और भूचड़ खाना लगने से रोका गया था। आज इसी क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और कई गुना बढ़ाने के लिए एक इथेनॉल प्लांट का, अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का आधारशिला रखी जा रही है और इसके माध्यम से विकास की प्रक्रिया के साथ सहजनवा को, गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है।